हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि बहुत सारे लोगों का कमेंट ये आ रहे थे कि हम लोग कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, ये सब चीज़ें बार बार मेरे को आ रही थी कि मैं इसको एक बार एक्सप्लेन करूंगा आपको। पिछली बार मैंने सिलेबस का वीडियो बनाया था तो आप लोगों के इतने कमेंट आ रहे थे कि इसको आप एक बार एक्सप्लेन करो। तो आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप शुरुआत कैसे करें और कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। मेरे हिसाब से आपको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, तो आज की वीडियो में सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आज की वीडियो में हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम की बात करेंगे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। तो एक मेरे पास पेज है, हिंदी माध्यम से नए विद्यार्थियों के लिए सूची। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि मेरे हिसाब से आपको कंफ्यूजन कोई ना हो, इसलिए विजन आईएएस की जो नोट्स है उसमें सारा सिलेबस होता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले आप विजन आईएएस के नोट्स मंगा लें। इसमें क्या होगा कि अगर आपका कोई टॉपिक है आपके सिलेबस में है लेकिन आप उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उसको विजन आईएएस कवर कर देगा। विजन आईएएस के नोट्स होंगे सबसे पहले। विजन आईएएस के नोट्स का जो वीडियो है इस चैनल पे है और आप वहाँ से चीज़ें खरीद सकते हो। अगर चाहो तो वो वीडियो देख के वहाँ से, आपको नीचे एड्रेस दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप खरीद सकते हो विजन आईएएस के नोट्स। उसके बाद मैंने लिखा ऐसे आपका पूरा जीएस कवर हो जाएगा। अब आपका पाठ्यक्रम कवर हो जाएगा तो आपको सारे पुस्तक लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए आप केवल अन्य महत्वपूर्ण बुक ही लें जो शुरुआत करें लोग उनके लिए, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब महत्वपूर्ण बुक पे आते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप तैयारी करने से पहले, विजन आईएएस के नोट्स मंगाने से भी पहले, अगर मंगा सकते हैं पहले, मंगाने से पहले आप सबसे पहले आप पाठ्यक्रम डाउनलोड कर लें या आप दृष्टि का सिलेबस मंगा लें, वहाँ से आप सारी पुस्तक आज मैं बताऊँगा वो खरीद सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पाठ्यक्रम, तो ये है पाठ्यक्रम, ठीक है। उसके बाद है प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स के लिए जो दृष्टि के 16 पेपर आते हैं वो आप मंगा लें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पेपर किस हिसाब से आते हैं, और 16 पेपर मिल जाएंगे आपको तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये रहे दृष्टि के 16 पेपर, ठीक है, ये आईएएस प्रीलिम्स 16 पेपर, ठीक है। तो ये होगी 16 पेपर की बुक। और थर्ड बुक है प्रीवियस ईयर मेंस दृष्टि के 16 पेपर, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं ये सारी लिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो तीसरी बुक है प्रीवियस ईयर मेंस दृष्टि की बुक है, ठीक है, इसको हटा देगा दो और उसमें थर्ड बुक डाल दे, ये रही। और चौथी बुक है एटलस की, और सबसे महत्वपूर्ण बुक है वो आपके पास होनी चाहिए, ये रही एटलस। उसके बाद में पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की बुक, ठीक है। उसके बाद में ज्योग्राफी महेश कुमार बर्नवाल की, उसके बाद ये रही बुक मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम की, और उसके बाद में कल्चर नितिन सिंघानिया की, ये रही बुक नितिन सिंघानिया की, और उसके बाद में इकोनॉमी रमेश सिंह की, और ऐसे, और ऐसे हैं दृष्टि से बुक है ऐसे की, ये रही डॉक्टर विकास देवी की, निशांत जैन द्वारा लिखी गई है, ठीक है, सप्तम संस्करण आप देख लो, ठीक है। और उसके बाद में एथिक्स डी के बालाजी की, ये बुक अभी हमारे पास है नहीं, पिछली वीडियो में मैंने वीडियो जब अनबॉक्सिंग की थी इस बुक की तो मैंने डाला था, अभी हमारे पास ये है नहीं। तो आप अगर मंगवाना चाहते हैं तो आप रिक्वेस्ट डाल देना कि एथिक्स बुक हमें भी चाहिए। वैसे अगर आपको मंगानी है तो आप बोल देना कि हमें ये बुक चाहिए, वो आप पूरा ही आपको सेट दे देंगे, ठीक है। तो इस लिस्ट के हिसाब से ही देंगे, क्योंकि लिस्ट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और उसके बाद में सी सेट की बुक टीएमएच से, उसके बाद में कंपलसरी इंग्लिश एपी भारद्वाज की, ये रही बुक एपी भारद्वाज, और उसके बाद में कंपलसरी हिंदी दिशा की, ये बुक हमारे पास नहीं है, ठीक है, ये बुक भी हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं मिक्स एनसीईआरटी की, ठीक है, हिस्ट्री कक्षा 6 से कक्षा 12 तक, ये ओल्ड एनसीईआरटी है लेकिन ये बुक की फॉर्म थी, अब बुक ख़त्म हो गई है तो इसको प्रिंटेड मिलती है, ठीक है, अभी तो ये रही, ठीक है, ये है 6 से कक्षा 12 तक ओल्ड एनसीईआरटी, ठीक है। ज्योग्राफी कक्षा 6 से कक्षा 12 तक, ये न्यू एनसीईआरटी है, ये रही, इसमें सारी बुक है, ठीक है, कक्षा 6 से कक्षा 12 तक, ठीक है। और उसके बाद में है पॉलिटी कक्षा 6 से कक्षा 12 तक, ये न्यू एनसीईआरटी में है, और ये रही पॉलिटी कक्षा 6 से कक्षा 12 तक। उसके बाद में है इकोनॉमी कक्षा 9 से कक्षा 12 तक, ये न्यू एनसीईआरटी है, ये रही सारी बुक। और उसके बाद में है क्लास 12th बायोलॉजी लास्ट 4 चैप्टर, ये है नहीं, फाइन क्लास वाला ये है नहीं हमारे पास। सोशियोलॉजी कक्षा 11 से कक्षा 12 तक, तो ये रही सोशियोलॉजी, ठीक है, सोशियोलॉजी की बुक। और उसके बाद में साइंस कक्षा 6 से कक्षा 12 तक, ठीक है, तो ये रही साइंस सारी कक्षा 6 से कक्षा 12 तक। और उसके बाद हमारे पास क्या क्या नहीं है, कंपलसरी हिंदी दिशा की नहीं है, बायोलॉजी लास्ट 4 चैप्टर नहीं है, एनसीईआरटी इकोनॉमी
कक्षा 10 कक्षा 12 के लिए नहीं है, और उसके बाद में साइंस कक्षा 7 की नहीं है, और एक साइंस कक्षा 8 की नहीं है। ये हमारे पास बुक अभी नहीं है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको सारी बुक मिल जाएगी। जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं उनके लिए ये चीज़ें बहुत होनी ज़रूरी है उनके पास में। तो आप ये चीज़ें मंगवाना चाहते हो, आप ये बुक मंगवाना चाहते हो, तो एक तो लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ये सारी, ठीक है। और उसके बाद में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर, और अभी मैं लास्ट में आपको ख़रीदने के लिए मोबाइल नंबर भी डाल दूंगा। तो वहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, वहाँ पे कॉल करके आप बुक मंगवा सकते हैं, अपना ऑर्डर दे सकते हैं। तो अभी मैं जहाँ से मैं बुक मंगवाता हूँ वहाँ से राजेश बुक स्टोर के नंबर डाल दूंगा, स्क्रीन पे भी डाल दूंगा, और मैं अभी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप वहाँ से बुक मंगवा सकते हो ये सारी।